अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अली, मैं जयपुर के राजस्थान के जयपुर ज़िले से ताल्लुकात करता हूँ, और इससे पहले मेरा नाम पीयूष सिंह था। मेरी फैमिली के अंदर मेरे वालदेन के अलावा मेरे छोटे भाई हैं, और जॉइंट फैमिली है एक्चुअली हमारी, चाचा चाची सारी पूरी फैमिली है अल्लाह के फजल से। इसके अलावा मैंने बैचलर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की स्टडी की है जयपुर राजस्थान से ही। और दीन इस्लाम के ताल्लुकात, मेरा जो एंट्री हुई इस्लाम में, मेरी एंट्री किस तरह से, उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ये बात है जी सन 2017 की, मार्च के महीने 2017 में मेरी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था। तो उस दौरान मेरे कुछ आसपास के पड़ोस के साथी थे जो जिन एक्चुअली मेरा सर शुरू से ही इस बार इस्लाम के स्टडीज़ के बारे में बहुत रुझान था, जैसे जो भी इस्लामिक स्टडीज़ हो गई या क्रिश्चियनिटी के ऊपर स्टडीज़ हो गई। मैं 6 महीने तक सर मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी स्टडी की है। 6 महीने तक मैं रेगुलर चर्च भी गया हूँ, मैंने उनको पूरा उनका मसलक, उनका धर्म, सब चीज़ देखी है, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। लेकिन आखिरी जो मेरा कंक्लूज़न निकला वो यही निकला कि अगर इंसान को इस दुनिया और आखिरत में कोई मुकाम हासिल हो सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की कृपा और आशीर्वाद से ही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस्लामी एक वाहिद रास्ता है जो आपको जन्नत की तरफ ले जा सकता है। बहरहाल ये सब स्टडीज़ मेरी चल रही थी, मैं पढ़ रहा था इस्लाम के बारे में, नबी पाक की सीरत और हमारे जितने भी अंबिया आ चुके हैं उनके बारे में पढ़ना, हज़रत अली की जीवनी पढ़ना, उनकी कैसे बर्थ हुई, कैसे उनकी अलग अलग जगह लड़ाइयाँ हुई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। इसी को आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे मेरा इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता गया। और एक वक्त ऐसा आ गया जब मुझे लगने लगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मूर्ति है, कोई भी तस्वीर है जिसे हम इंसान अपने हाथों से बनाते हैं, वो कैसे हमारी हिफाजत कर सकती है, कैसे हमारी रक्षा कर सकती है। क्योंकि अगर आज मैं उस मूर्ति का कुछ भी, उसको इंजर्ड कर देता हूँ या किसी भी तरीके से तकलीफ़ पहुँचाता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचा पाएगी वहाँ पर। तो जब वो मुझे उसके नुकसान पर वो मेरा नुकसान नहीं कर पा रही, तो फिर वो मेरा फ़ायदा पहुँचाना तो बहुत दूर की बात है उसके लिए। उसके बाद में मैंने और ज़्यादा जब डिटेल में पढ़ा तो मुझे मैंने देखा कि अथर्ववेद और काफ़ी सारे ऐसे वेदाज हैं हमारे हिंदू धर्म के पुराने, जिसके अंदर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नाम में फेरबदल हो, उनके वंश के नाम में फेरबदल हो, उनकी लोकेशन के नाम में फेरबदल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवेलेबल ना हो, अवेलेबल है। उसके बाद सर मैंने धीरे धीरे मस्जिद की तरफ रुख किया अपना, मैंने मस्जिद में जाके देखा कि यार किस तरह से प्रेयर की जाती है इस्लाम में, किस तरह से नमाज अदा की जाती है। शुरुआत में मेरी प्रेयर ऐसे हुआ करती थी कि जब सब लोग रुकू में होते थे तो मैं खड़ा हुआ होता था, जब सब सजदे में होते थे तो मैं रुकू में होता था, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती थी। लेकिन धीरे धीरे अल्लाह के फजल से ये चीज़ मैंने सीखी। अब हुआ यूँ कि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ, हमारी ही एरिया के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जहाँ पे मैं नमाज अदा करने जाता था धीरे धीरे, उन लोगों ने ही मेरी फैमिली को कंप्लेंट करना शुरू किया कि आपका लड़का हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। अब मेरे जो पिताजी हैं, फादर हैं, वो मीडिया पर्सन है, मीडिया से रिलेटेड पर्सन है, हमारी फैमिली की उस एरिया में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो उन्होंने कहा कि अनूप जी आपका लड़का फला मस्जिद में, हमारे नज़दीक में एक मक्का मस्जिद है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका लड़का मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। तो मेरे जाहिर सी बात है किसी भी बाप का अगर बेटा दूसरे मसलक को चीज़ फॉलो करेगा तो उन्हें गुस्सा आना लाजमी है। तो मेरे फादर ने मेरे से काफ़ी उस टाइम सख्ती की, खैर वो उनका कोई बात नहीं क्योंकि अपने पिता हैं, वो अपने साथ जो भी करें कोई परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन दुख इस चीज़ का हुआ कि यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा, मैं सिर्फ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस तरीके से इबादत करूँ ईश्वर की, तो वो मैं करना चाह रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर एलिगेशन क्यों। उसके बाद भी मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैंने इस चीज़ पर सब्र करा और मैं धीरे धीरे दूर की मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने लगा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जा करके। एक दिन ऐसा आया हज़रत कि एक तबलीग जमात से जुड़ी हुई एक कम्युनिटी हमारी एक मस्जिद में आई हुई थी। असर की नमाज का वक्त था, तो नमाज अदा करने के बाद उस मस्जिद में मैं रेगुलर नमाज अदा करता था। मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि मुझे फजर किस मस्जिद में पढ़नी है, जोहर किस में, असर किस में, मगरिब किस में, इशा किस में। तो असर की नमाज के बाद में मैं बयान के लिए, उनके बयान के लिए उन्होंने सबको इकट्ठा किया, दावत दी, तो मैं भी बैठ गया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप भाई अक्सर ये इस मस्जिद में देखे जाते हैं। जी हाँ, बोले बिल्कुल मैं देखा जाता हूँ, मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे रहबर बन जाएं,
तो मैंने उन्हें ये कहा कि भाईजान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रहबर अमीर और ये तबलीग और ये जमात, ये आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि उस टाइम तक मेरे को इस्लाम के किसी भी मसलक के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। मैं सिर्फ यही जानता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नबी नहीं अल्लाह का, सिर्फ ये चीज़। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था इस्लाम के बारे में, दो वर्ड्स के अलावा। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे एक इस्लाम के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप, एक चेन काम करती है जो कि लोगों को अच्छे रास्ते की तरफ लेकर आती है। तो उनको मैंने छोटी सी अपनी बताई कि यार मेरे साथ में, मैंने इस्लाम में फॉलो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ परेशानी ऐसी आ रही है, मेरे फैमिली मुझे फिज़िकली और मेंटली काफ़ी टॉर्चर करते हैं और आसपास का जो हमारा माहौल है वो थोड़ा विपरीत है मेरी चीज़ के अलावा। तो उन्होंने कहा कि भाईजान जब भी आपको कोई तकलीफ़ आए तो आपको सीधे जाना है मरकज़ का रुख करना, आप जब भी आपको कोई परेशानी आए वहाँ से आपको इंशाल्लाह ज़रूर मदद मिलेगी इस मैटर को लेके। तो हो सकता है शायद अल्लाह के फरिश्ते उस समय मौजूद है, उन्होंने तुरंत बात हमारी पहुँचाई। और अगले दिन जुम्मा का दिन था, 20 मार्च 2019। उस दिन मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के घर पर जब आया तो जुम्मे की नमाज़ के दौरान मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, मेरी फैमिली की लगभग 18 से 20 मिस कॉल्स उसमें उस टाइम अवेलेबल थी। तो मैं घर मस्जिद से निकलते ही फ़ोन देखते ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ मैटर आज बड़ा होने वाला है। मैं घर पहुंचा, घर पहुंचते ही मेरे फादर ने मुझे सीधा ये कहा कि नहा पहले तो जाके। तो अल्लाह को शायद यही मंजूर था और 20 मार्च 2019 को जुम्मे की नमाज़ के वक्त बाद में मैं जब घर वापस आया तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी फैमिली की इतनी सारी मिस कॉल्स थी। मेरे को मैं थोड़ा बहुत समझ गया था कि घर पे कुछ ना कुछ आज मैटर होने वाला है। मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि आप कहाँ गए थे, तो मैंने कहा पापा मैं नमाज़ पढ़ने गया था। तो मेरे फादर ने, उससे पहले भी मेरे पापा मेरे साथ कई बार सख्ती कर चुके थे, मारना पीटना ये तो बहुत आम बात हो गई थी। असल में हिंदू कम्युनिटी के कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल पर्सनस के कॉल आना रात को 2-2 बजे धमकी भरे कि तुझे ज़िंदा नहीं रहने दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा, जयपुर में क्या तू कहीं भी रह ले वहाँ पे भी। और इन द सेंस मतलब घर पे आके समझाना, जो इंसान पहले मैं हिंदू था तो जिस इंसान को हिंदू होने पे मुझसे मतलब नहीं था बिल्कुल भी, जैसे ही मेरा हल्का सा रुझान इस्लाम की तरफ गया वो लोग खुद आके बोल रहे हैं, समझा रहे प्यार से भी और डर से भी, दोनों तरीके मुझे दिखाए जा रहे हैं कि या तो प्यार से मान जा या डर के मान जा। तो ये चीज़ मारपीट तो बहुत अलग रह गई थी, बहुत एक लेवल तक पहुँच गए थे वो लोग इस चीज़ में, पुलिस वगैरह का काफ़ी हो गया था मैटर। लेकिन चले मैं बताता हूँ पूरा डिटेल में। तो मैं घर पहुँचा तो मेरे फादर ने कहा कि आप ठीक है, आपको मना किया गया था, खैर मेरा लहजा बोलने का ये है लेकिन उनके अल्फाज कुछ और ही थे, आप समझ सकते हैं थोड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मना किया गया था उसके बावजूद आप मस्जिद गए हैं, तो पहले आप नहा कर आइए। तो मैंने कहा पापा मैं ऑलरेडी नहा के गया था, साफ़ सुथरा हूँ बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं, आप मुस्लिमों के मस्जिद में टच होके आए हैं इसलिए आप नहाना होगा आपको। अब बताएं इस सोच का क्या किया जाए कि एक इंसान दूसरे इंसान के सिर्फ धर्म के नाम पर टच होने से नहाना या फिर नापाक हो गया वो सिर्फ टच होने से। तो ये चीज़ मुझ पर ऐसे गई जैसे आप सोच नहीं सकते, इतना बुरा सोच के ऐसा अंदर से हिल जाता है इंसान की यार आज कोई भी अगर किसी भी मुस्लिम के कोई नॉन मुस्लिम अगर टच हो जाता है तो क्या हमें ये कहा जाएगा कि आप ना कर आइए। क्यों ना कराएं भाई, वो इंसान नहीं है क्या, क्या वो बाबा आदम की औलाद नहीं है क्या, क्यों ना कराएं हम, या कि क्यों हम उसको गलत समझें, क्यों उसे बुरा समझें। मैंने इस चीज़ से जब इनकार किया कि पापा मैं ऑलरेडी साफ़ सुथरा हूँ बिल्कुल, मैं नहा कर ही गया था तो मैं दोबारा नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू अपनी फैमिली जात बिरादरी हम माँ बाप भाई बहन को चुन ले या फिर तू तेरे अल्लाह के रास्ते पर निकल जा। काफ़ी एक घंटे की जिद बहस के बाद उन्होंने ये चीज़ मुझसे कही। एक घंटे की जब उनसे काफ़ी मेरी जिद बहस हो चुकी थी तो उन्होंने मुझे फाइनली ये कहा कि आप अपना बैग तैयार करें और निकल जाएँ। मैंने कहा ठीक है। अब बैग तैयार करने के लिए भी मुझे घर में एंट्री नहीं दी गई, मुझे बाहर चौराहे पे बाहर गेट के जस्ट अंदर खड़ा किया गया कि आप कमरे के अंदर एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आप मुस्लिमों के टच होकर आए हो इसलिए। ठीक है जी। मेरी मम्मी ने जो उनके हाथ में कपड़े लगे वो, मेरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल और सिर्फ मैंने जो कपड़े पहने थे वो लेकर के मेरे को ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से मैं मरकज़ तक पहुँचूँगा जो भी है। 4 बजे की ट्रेन थी मेरी पूजा एक्सप्रेस की, सिर्फ मेरे पास कुल 140 रुपये घर छोड़ते वक्त, उम्र 23 साल, रुपये 140 रुपये और मेरे को ज़िंदगी भर के लिए घर छोड़ना। आप कुछ सोच सकते हैं कि इस उम्र में कितना बड़ा मेंटली प्रेशर आएगा एक इंसान के ऊपर। आज इंसान अगर 10-20 किलोमीटर भी जाता है तो कम से कम 1000 रुपये साथ में लेकर निकलता है और मैं पूरी ज़िंदगी का फैसला करके निकला हूँ और जेब में रुपया एक भी नहीं।
फिर भी मैंने अल्लाह के भरोसे कदम उठाए और अल्लाह ने मुझे कामयाब भी किया, वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कैसे मेरे। हाँ एक बात और, मेरे कुछ साथी थे जैसे सलमान भाई हो गए, उनके फैमिली, उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया इस मैटर में, बहुत। मतलब उनको मेरी फैमिली की तरफ से धमकियाँ दी गई कि इस आप इसकी वजह से हम आपके ऊपर एलिगेशन करेंगे, आप पे केस मुकदमे दर्ज करवा देंगे हम, कि आप हमारे लड़के को कन्वर्ट करवाने में हो। लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनकी हिम्मत बंधाए रखी और उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इस मैटर में। मैं ट्रेन में बैठा सर 4 बजे के समथिंग, और रात को मैं 10-10:30 बजे उतरा। ना मैंने सुबह से कुछ खाया था, मेरी फैमिली ने मुझे फूड तक ऑफर नहीं किया था, नमाज़ पढ़कर ही मैं खाना खाता था जुम्मे की, ये मेरा रूटीन था हर बार का। उस दिन ना मैंने कुछ खाया था ना मैंने कुछ पिया था। 140 रुपये में से 110 या 115 रुपये की समथिंग की टिकट आ गई थी, वो टिकट लेकर मैं आ गया। मेरे पास 20-25 रुपये चेंज बचे थे। दिल्ली में मैं आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं उतरा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने में मुझे बज गए 10:30 से 11:15। वहाँ पहुँच करके मैंने एक सरकारी पोस्ट ऑफिस पड़ता है, उनके गार्ड बैठे थे, उनसे मैंने कहा कि सर मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ जाना है, और बस इतना ही मैंने उन्हें कहा, बाकी तफसीर से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा बेटा यहाँ आप, मैंने कम से कम आधे घंटे वहाँ बस का वेट किया, बस नहीं आई। उन्होंने कहा बेटा आप यहाँ नहीं, आप लाल किले जाएँ, वहाँ से आपको 407 ST, मुझे बस का नंबर तक याद है आज, 407 ST बस आएगी, उस वो आपको इंशाल्लाह निज़ामुद्दीन मरकज़ छोड़ देंगे निज़ामुद्दीन रोड पर। ठीक है जी, मैं वहाँ पहुँचता हूँ निज़ामुद्दीन, पैदल लगभग पुरानी दिल्ली और उसमें फासला होगा 1 से 2 किलोमीटर का। मैं वहाँ पे पहुँचा 11:30-11:30 बजे के समथिंग, और अल्लाह के फजल से बस भी आ गई। लेकिन वहाँ भी मेरे को पहुँचने के बाद में काफ़ी माहौल ऐसा लगा कि कोई मतलब चरस पीने वाले लोग बैठे हैं, चेन स्नैचर्स बैठे हैं, रात को 11 बजे और लॉकडाउन का माहौल लगने वाला, क्योंकि 22 तारीख से जनता कर्फ्यू लग गया था, इसलिए 20 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक फैमिली खड़ी थी, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, उनसे मेरे को लगा ये थोड़े ठीक फैमिली वाले लोग हैं, इनसे पूछा जाए। उनसे मैंने पूछा कि सर मेरे को हज़रत निज़ामुद्दीन जाना है तो कैसे पहुंचूंगा, तो उन्होंने बता दिया यहाँ से बस आएगी, आप चले जाएँ। ठीक है, अल्लाह के फजल से 5 से 7 मिनट में बस भी आ गई। अब बस में एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक भाई और बैठे, बस बस मैंने बस रुकी, मैं बस में सवार होता हूँ। अब जिस सिचुएशन में आप समझे, जिस सिचुएशन में मैं घर छोड़ के आया था, उस सिचुएशन में मुझे हर मुसलमान, हर दाढ़ी वाला भाई मुझे अपने खून के सगे भाई से भी ज़्यादा लगेगा, समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब अल्लाह को शायद थोड़ा इम्तहान लेना वहाँ पे मंजूर था, इसलिए उन्होंने शुरू करा मेरा इम्तहान लेना वहाँ से। उस दाढ़ी वाले भाई से मैंने ये कहा कि भाई मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन एक्चुअली पड़ता है, क्योंकि निज़ामुद्दीन पूरी एक बस्ती का नाम है, उसमें से वो पर्टिकुलर स्पेस, उस पर्टिकुलर जगह कौन सी है जहाँ पे मुझे जाना है। मैंने उन्हें कहा कि यार मेरे को मरकज़ निज़ामुद्दीन जाना है, बंगले वाली मस्जिद। बोले ठीक है आप भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ चले, मैं आपको छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। बस में मैंने उन्हें थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता दिया कि मैंने यार ऐसे ऐसे मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ और इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, तो हम लोग निज़ामुद्दीन बस स्टैंड पर उतरते हैं, उतर के थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर मरकज़ है बस स्टैंड से, हम लोग मरकज़ की तरफ रवाना होते हैं। तो उन जनाब का बिहेवियर ऐसा था, आपको क्या बताऊँ मैं, वहाँ के जो यतीम भिखारी बैठे थे उनसे वो बदतमीजी से, साफ शब्दों में तो हम गाली बक के बात कर रहे थे, उनसे पैसे छीन रहे थे। एक इतनी अच्छी माशाल्लाह उन्होंने दाढ़ी रखी हुई, सुन्नती लिबास पहना हुआ है, और उनकी हरकतें ऐसी, तो तुरंत दिमाग में एक चीज़ जाती कि यार इस्लाम तो बुरा नहीं है, बुरे हैं आज के मुस्लिम जनरेशन, इस्लाम तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आज के मुसलमान को देखकर अगर आप लोग ये सोचें कि यार ये मुसलमान है तो इस्लाम भी ऐसा होगा, ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है, मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको देखना है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, उनके बारे में आप देखें। अगर आप आज के मुस्लिम, मैं अपने आप को भी अच्छा नहीं बता रहा, अगर आप आज के मुस्लिम बड़े से बड़े मौलाना हो या छोटे से छोटा बच्चा हो, उनको देखेंगे तो आप परफेक्ट इस्लाम नहीं देख पाएंगे कभी भी। परफेक्ट अगर इस्लाम देखना है तो हमारे नबी की ज़िंदगी आप देखें, कुरान शरीफ और हदीस देखें आप। बहरहाल जैसे ही उन भाई के साथ मैं चलने लगा, उनका बिहेवियर देखा, तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि यार मैं कहीं मैंने गलत इंसान से तो पूछताछ नहीं कर ली, क्या पता है मुझे कहाँ ले जाए, क्योंकि 23-22 साल की उम्र में आपको पता है इतना ही दिमाग होता है इंसान में, और पहले घर छोड़ने का पूरा प्रेशर टेंशन दिमाग पे। तो पैदल चलने के बाद वो मरकज़ निज़ामुद्दीन के गेट पर मुझे ले आए। मरकज़ निज़ामुद्दीन के गेट पर खड़े थे ज़ुबैर भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जमात आई हुई थी, उनकी जमात का एक साथी था ज़ुबैर, जो खड़े थे इस्तकबाल के लिए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि यार ये लड़का है और इस्लाम कबूल करना चाहता है या करा हुआ है, ऐसे कुछ उन्होंने कहा, किया हुआ है शायद, और ये जमात में शामिल होना चाहता है।
तो ज़ुबैर भाई ने कहा, भाई एक तो क्या मेरा पहनावा ऐसा था, जीन्स टी शर्ट, और मैंने एक फ्रेंड से उधार मांग के टोपी ले ली थी, तो बस वही थी। और सुबह से निकला हुआ भूखा प्यासा, तो शक्ल सूरत बिल्कुल बदहाल हो चुकी थी। एक मेरे पास में बैग, उन्होंने कहा कि आप कितने वक्त की जमात में आना चाहते हो। तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं, मुझे नहीं पता था कि चिल्ला 4 महीने साल लगता है इसके अंदर। मुझे तो ये लगा था कि हाँ ठीक है, ये वाहिद रास्ता है, इसमें निकलेंगे तो इंशाल्लाह अपन को नॉलेज अच्छी बढ़ेगी अपनी। तो उन्होंने कहा, भाई अभी तो आप काली मस्जिद है, वहाँ पर काली मस्जिद में कयाम करें, इंशाल्लाह सुबह हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। बोले ठीक है। तो वो जो भाई मेरे साथ में थे, जो मुझे बस में मिले थे भाई, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, बीच में पढ़ करके, ठीक है मैं इन्हें काली मस्जिद लेकर जाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो मेरे को लगा यार क्या पता सही कह रहे होंगे। उनके मैं साथ चला काली मस्जिद की तरफ, तो रास्ते में ही 2-3 कदम बाद ही वो मुझे ये कहते हैं कि यार क्या तुम तबलीग के चक्कर में पड़े हुए हो, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें सही जगह लेकर चलता हूँ। तो मुझे लगा चल ठीक है भाई, आप ले चलें, सुबह तक का फैसला तो मेरे ऊपर है, एक बार तो आपके साथ चलता हूँ इंशाल्लाह, क्या दिक्कत। तो वो मेरे को नज़दीक की ही एक दरगाह में ले गए, वहाँ पे मैंने उन्हें जब बताया कि मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, जो डिटेल मैंने आपको बताई पूरी तफसीर से वैसे ही मैंने उन्हें बता दी कि यार मैंने इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो रहा है और मैं अब क्या करूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा देखो, उन हाँ लास्ट में मैंने उन्हें एक लाइन कह दी कि मैं तबलीगी जमात में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि आप कभी भी आप खुद डिटेल में देख लें, आप इस्लाम की अगर सभी चीज़ों पर रिसर्च करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर सीखने की कोई सबसे अच्छी जगह है बच्चों के लिए तो वो है मदरसा, और बड़ी उम्र के लिए लोगों के लिए भी अगर सीखने की पर्टिकुलर कोई जगह है तो वो है तबलीगी जमात, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज सिखाई जाएगी। तो जब मैंने उन्हें चीज़ कही कि मेरे को तबलीगी जमात में शामिल होना है, तो हो सकता है शायद उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो तबलीगी जमात से, वो लोग थोड़े एग्रेशन में आ गए, थोड़े से गुस्सा हो गए मेरे पे। गुस्सा होना ऐसा था कि मेरे पास में शायद 15 या 20 रुपये टोटल थे उस टाइम पे। मैंने दरगाह के बाहर जब चप्पल रखवाई तो उसने मेरे से वो पैसे भी ले लिए कि यहाँ चप्पल रखने का चार्ज लगता है, चलें वो भी कोई बात नहीं। देन उसके बाद में उन्होंने मेरे से कहा कि ये जो है अल्लाह के वली हैं, आप इनकी रेस्पेक्ट करो। मैं उन्होंने कहा बिल्कुल करता हूँ जी, बहुत ज़्यादा। बोले ठीक है, ये आपको जन्नत तक पहुँचाने का रास्ता बताएंगे, आप इनके साथ इनसे दुआएं मांगे या इनके सामने सजदा करें, ऐसे कुछ उनके अल्फाज थे। तो उस चीज़ पर मेरा उनसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टकराव हुआ। मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं सर, जितना इस्लाम मैंने पढ़ा है, मैंने 0.0001% भी अगर पढ़ा है तो उसमें यही लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर मुझे अल्लाह के सिवा किसी को माबूद मानना होता तो 33 करोड़ देवी देवता मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 33 करोड़ देवी देवता हैं तो मैं एक और को क्यों वो करता, लेकिन मेरे को एक ईश्वरवाद में भरोसा है, एक ईश्वर में भरोसा है। तो आप कैसे कह, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मेरे को उन्होंने बोलने नहीं दिया। जैसे उन्होंने ये कहा, मैंने उन्हें मना किया, तो उन्होंने हैंड टू हैंड मेरे गर्दन कपड़े पकड़े और मुझे धक्का दिया। बोले उन्होंने शायद कुछ वर्ड्स का यूज़ किया था, वहाँ भी कुत्ता है या कुछ ऐसा ही कुछ कहा था, बोले ये ऐसे है, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्या कहा था, लेकिन हाँ थोड़ा बदतमीजी करके मुझे निकाल दिया गया वहाँ से। देन उसके बाद में मैं बाहर आया, फिर उसके बाद में मेरे आंसू स्टार्ट हो गए, हिम्मत ने जवाब देना शुरू किया। इतना तो मैं झेल लिया था, लेकिन अब जब मुझे लगा कि यार जिस इस्लाम के पीछे मैं सब कुछ छोड़ के आया, और मेरे को लगता था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थोड़ा बहुत तो अल्लाह उनमें हिदायत देगा और मेरा सपोर्ट करेंगे, वो लोग मेरे से ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, पैसे ख़त्म, घर जाने का कोई ऑप्शन नहीं, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैंने एक नज़र ज़मीन की तरफ़ देखी, बोले नंगे पैर हैं, सर्दी का माहौल है। एक ऊपर देखी अल्लाह की तरफ, बोले अल्लाह तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही संभाल मुझे, अब क्या करना है। चल वापस मैं दरगाह से मरकज़ की तरफ आया, मरकज़ के बाहर यतीम चप्पलें रखी होती काफ़ी सारी, वहीं मैंने अपना बैग रखा। बैग रखने के बाद मैं वहीं बैठ गया मैं, और वहीं रोना आंसू आ रहे मेरे बैठा हुआ मैं। तो एक गरीब बुढ़िया अम्मा आई, बिल्कुल बैगर टाइप थी, भिखारी थी बिल्कुल, वो मेरे पास बैठी। तो रोता हुआ मैं जब वापस मरकज़ निज़ामुद्दीन के बाहर आया, तो वहाँ चप्पल वगैरह का ढेर लगा हुआ था, पुरानी चप्पलें होती लोगों की, वहाँ मैंने अपना बैग रख दिया। मुझे कुछ होश नहीं था, अब करना क्या है, बैठ गया रोने लगा, दुआ कर रहा था अल्लाह से कि एक बूढ़ी अम्मा आती है, बिल्कुल गरीब फटे हाल, बिल्कुल उन्होंने झोला था उसमें कुछ चावल कुछ रोटी अलग अलग मुख्तलिफ जगह से लेकर आई होंगी बेचारी। वो बैठी, बेटा क्या बात हो गई। बोले अम्मा ऐसे ही परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया। आप खुद सोचे, एक टाइम वो था, अहमदाबाद में मेरी जॉब है लेंसकार्ट कंपनी में, काफ़ी अच्छी मेरी सैलरी है वहाँ पे, मैं अहमदाबाद की सबसे अच्छी होटल में मैं खाना खा रहा हूँ, और एक टाइम ये है।
कि मैं एक गरीब बुढ़िया, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक भिखारी जिसे आप कह सकते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो आप लेवल देखिए, मतलब एक इम्तिहान का लेवल आप देखिए। एक तो दुनिया, जब मैं दुनिया की दौड़ में था, दुनिया हासिल करना चाहता था, तो दुनिया आ रही थी मेरे पास में, यानी मैं दुनिया में तरक्की धीरे धीरे कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दीन की तरफ आया, इस्लाम की तरफ आया, तो अल्लाह इम्तिहान लेते हैं, बेशक लेते हैं, लेकिन अब वही चीज़ है कि उस टाइम तो ऐसा था, वो निवाले भी मुझे ऐसे लग रहे थे सोने की प्लेट में, क्योंकि किसी का भी साथ मिलना, किसी का भी सपोर्ट मिलना उस टाइम बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मैंने उनके साथ में 2 निवाले 3 निवाले खाए होंगे। देन उसके बाद में मरकज़ निज़ामुद्दीन के गेट पे 2 घंटे बाद में इस्तकबाल की ड्यूटी चेंज हो चुकी थी। वहाँ पे मौजूद थे इलियास भाई, नागौर डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान के। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात हो गई? तो मैंने कहा कि हज़रत, मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, और मेरे को देखिए तबलीगी जमात में शामिल होना है, और तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए आप मुझे एंट्री दें यहाँ पे, या फिर मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना, आप मुझे रात बिताने की जगह दे दीजिए, और सुबह जो भी आपके मौलाना हैं उनके सुपर्द आप मुझे कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा है, देखिए ऐसे हम एंट्री नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे एक तो क्या मुख्तलिफ जमात जो आती है प्रॉपर उसे एंट्री दी जाती है, दूसरी चीज़ एक पहनावे का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दिल्ली जैसी सिटी है जहाँ पर, कि आप बुरा मत मानिएगा अगर आप दिल्ली से हैं, तो थोड़ा चोर वगैरह का मैटर थोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं, थोड़ा माहौल यहाँ का थोड़ा सा नेगेटिव है, आप बुरा मत मानिएगा दिल्ली से हैं। तो इस वजह से शायद उन्होंने मुझे मेरा हुलिया देख के मना किया होगा कि नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन उनके दिल में अल्लाह ने शायद थोड़ी सी मेरे लिए रहमत जगाई होगी, उन्हें मेरे पे थोड़ा सा रहम आया, थोड़ा सा उन्हें दया आई। तो उन्होंने कहा, ठीक है आप एक बार अंदर आके बैठिए। मरकज़ निज़ामुद्दीन में एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पर सीढ़ियाँ पड़ती है, उन्होंने मुझे वहाँ बैठाया। मैंने मेरी 8th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की सारी मार्कशीट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पैन आईडी कार्ड, पैन वगैरह, जितने आईडी कार्ड मेरे पास थे, सारा बैगेज उनके हाथ में दे दिया। बोले, अगर आपको यकीन ना हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिए, मैं हिंदू, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं फॉलो करता हूँ इस्लाम, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई चोर उचक्का हूँ, ये मेरा मोबाइल है, ये भी आप रख लीजिए, मुझे रात गुजारने की जगह दे दीजिए, और सुबह मुझे आप मौलाना साहब जो भी हैं, मैं नहीं जानता था हज़रत जी मौलाना साहब दामत बरकातहू यहाँ के अमीर हैं, और तबलीगी जमात इतना बड़ा संगठन है, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो उनको थोड़ा यकीन आया, उन्होंने 2-4 बड़े और थे साथी, उनको बुलाया वहाँ पर। देन उन्होंने उनसे कहा कि यार ये ऐसे ऐसा एक मैटर है, तो उन्होंने उस टाइम मुझे सोने के लिए बिस्तरा दिया, खाना खिलाया, सबसे पहले ईशा की नमाज़ के लिए पूछा, ईशा की नमाज़ मुझसे पढ़वाई गई, खाना खिलाया, सोने के लिए मुझे बिस्तरा दिया, काफ़ी अच्छा सलूक किया। तो Day 1 जिस दिन मैंने पहली बार नमाज़ पढ़ी थी, और Day 2 जिस दिन मुझे मरकज़ निज़ामुद्दीन में एंट्री मिली, ये दिन 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे ऊपर बिना बादलों के बरसात हुई, और अल्लाह की तरफ से इतनी खुशी हुई थी मुझे उस दिन कि यार चलो कोई तो ऑप्शन आया सामने, नज़र के सामने, कि कहीं तो अपन आके सेफ हो गए, सर के ऊपर कहीं तो छत आ गई अब। देन उसके बाद में रात को मेरे को अब इतनी खुशी हो रही कि रात को नींद भी नहीं आई उस दिन मुझे। सुबह हुई, फजर हुई, फजर में फिर नमाज़ पढ़ी हमने सब ने, वहाँ पर नमाज़ अदा की, सब लोग मुझसे मिलने आए, सब लोगों से मुलाकातें हुई वहाँ पर मेरी, सबको मैंने अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ से हूँ, मेरे साथ पिछली रात को ऐसे ऐसे हुआ है, जो दरगाह शरीफ थी वहाँ की तरफ से मेरे से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो आप खुद सोचें ये चीज़ कि मुसलमानों का भी 2 ऑप्शन, एक तरफ आपको नए मुस्लिम का इस तरह स्वागत किया जा रहा है इस तरह, और दूसरी तरफ इस तरह स्वागत किया जा रहा है, कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो उसके बाद में बड़े बड़े काफ़ी हमारे मौलाना थे, मौलाना चिरागुद्दीन साहब, और मौलाना शमशेर साहब आई थिंक, और मौलाना आशिक इलाही साहब, इन सब से मेरी मुलाकात हुई, सब ने मुझे बहुत अच्छी से बातचीत की। उसके बाद ये दिन आ चुका था 21 मार्च 2020 का, मेरी तरतीब तय होने लगी जमात में शामिल होने की। 4 महीने की जमात के लिए मेरा नाम लिखा गया लक्षद्वीप महासागर के, लक्षद्वीप के पास का मेरा नाम लिखा गया, इंडिया का एकदम लास्ट पार्ट आ जाता है वहाँ के लिए। सब चीज़ सही चल रही थी, लेकिन शाम के टाइम मोदी जी की घोषणा होती है जनता कर्फ्यू की, 22 मार्च 2019 की। तो उसके बाद में यही फैसला लिया गया वहाँ की कमेटी और वहाँ की मरकज़ के जो हेड थे उनकी तरफ से, कि अभी जो जहाँ है वहीं स्थिर हो जाओ, जो जमाते जिस मस्जिद में है वहीं होल्ड करें, जो लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन में वो वहीं होल्ड करें, जो लोग अपने घर से जमातों के लिए निकलने वाले वो भी अपने घर पर रुक जाएँ, अभी अभी कुछ ना करें। 22 मार्च का दिन जनता कर्फ्यू सुबह स्टार्ट हो चुका था, अंदर का माहौल एकदम सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब मेरे से अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा था इंशाल्लाह।
अल्लाह के फजल से कोई परेशानी नहीं हुई। धीरे धीरे हमको ये खबर आने लगी कि न्यूज़ पे और ये सब चीज़ दिखने लगी कि ऐसा एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया गया कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस को इंडिया में एंट्री दी है। किसके रास्ते? जो बैरून से जमातें आती है, इंटरनेशनल जो तबलीग के फॉलोअर्स हैं, तबलीगी जमात जो फॉलो करते हैं, वो लोग उस समय इंडिया आए हुए थे और हम सब पे ये एलिगेशन लगाया गया कि आपकी वजह से ये चीज़ फैल रही है अब। और जाहिर सी बात है, अपने इंडियन मीडिया जो है वो थोड़ा इन चीज़ों में आप समझ सकते हैं कि थोड़ा आग लगाने वाला काम करता है, क्लियर लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है जी, चलता रहा। 22 मार्च हुई, 23 मार्च हुई, ऐसे करते करते वक्त आ गया 30 मार्च के आसपास का। 30 मार्च को मरकज़ निज़ामुद्दीन के बाद डॉक्टर्स की टीम आती है, कैंप लगाया जाता है बाकायदा, और बसेस की लाइन लगती है, DTC की बसेस की लाइन लगती है कि आपको यहाँ से मतलब अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, उस समय मेरे पास में मेरी ID थी जो हिंदू नाम से थी, और मैंने अपना नाम मोहम्मद अली बताया था मरकज़ में। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, किसी भी व्यक्तिगत या धार्मिक संगठन का मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी ने मुझे उकसाया नहीं है इस चीज़ के लिए। ये मेरी पर्सनल विल पे, पर्सनल चॉइस पे किया था मैंने सारा फैसला, किसी ने मुझे इसके लिए कुछ नहीं बोला है। मैंने अपना नाम वहाँ मोहम्मद अली बताया डॉक्टर्स को, मोहम्मद अली, एड्रेस बताया मैंने मेरठ का, और मैंने मेरा फादर्स नेम भी दूसरा बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे बस में एंट्री दी और मुझे लेकर गए वो नरेला क्वारंटाइन सेंटर में। नरेला क्वारंटाइन सेंटर हम लोग पहुँचे, कुछ दिन हम वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में रहे, काफ़ी अच्छे साथी मिले, उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी यादें देखे गए वो। 10 दिन के बाद में मुझे वहाँ से सिर्फ इतने सारे लगभग आप मान के चलिए 6 से 7 हज़ार लोग टोटल ऑल ओवर जितने भी तबलीगी जमात से थे, क्योंकि मरकज़ के अलावा जो मुख्तलिफ मस्जिदें थी उनकी जमात को भी क्वारंटाइन किया गया था। जमात से जो इंसान जुड़ा हुआ है, अगर एक कोई भी आके ऐसे कहेगा कि हाँ मैं ये कब भी जमात से जुड़ा हुआ है तो इसको भी लेकर जाएंगे वो, ऐसा माहौल बना दिया गया था इंडिया के अंदर उस टाइम पे। तो हमें वहाँ लेकर गए और उसके बाद में हॉस्पिटल के लिए मेरा नाम नॉमिनेट हुआ कि आपको टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अब एक एक चीज़ आप सोचें, इतने सारे लोग, उसमें से सिर्फ मुझे अकेले को लेकर जा रहे हैं जिसके पास में कागज़ भी ओरिजिनल नहीं है, और दूसरी चीज़ कागज़ भी ओरिजिनल नहीं, देन इसके अलावा अंदर एक डर और कि यार इतने लोगों में से मुझे क्यों उठाया इन्होंने, क्या पता। और हाँ, वहाँ के लोग मुझे बोल रहे कि यार क्या पता जान से मार दे इंजेक्शन लगा के तब जमातियों, क्योंकि एक चीज़, एक खबर ये भी अफवाह उड़ी थी कि तबलीगी जमात के लोगों को अब जान से मारा जाएगा इंजेक्शन लगा के, या इन्हें NRC और CAA वाला जो कैंप लगने वाला था ना, वो क्या कहते हैं, जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए कैंप लगता है, उस कैंप में डाला जाएगा इन्हें, ऐसी कुछ अफवाह उड़ी थी उस टाइम पे। तो एम्बुलेंस के अंदर मुझे बिठाया गया अकेले को, मेरे बैगेज वगैरह, मेरे सामान सहित, और मुझे शिफ्ट किया गया लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, LNJP हॉस्पिटल में। LNJP हॉस्पिटल के अंदर उस दिन मेरा रोज़ा चल रहा था, शब कदर की रात का रोज़ा था। वहाँ हम पहुँचते हैं LNJP हॉस्पिटल में, वहाँ पे सारे मतलब काफ़ी सारे लोग मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे, लेकिन तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ या फिर मेरी जानकार वाला कोई साथ, जानने वाला मुझे कोई साथी कोई मौजूद नहीं था। वहाँ पे मैं गया तो मैंने अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस किया, और खाने का पीने का कोई व्यवस्था वहाँ नहीं थी कि खाने, मतलब दिन भर से कोई भूखा है प्यासा है कुछ नहीं, बस आपको बेड दे दिया गया है, आप वहाँ रहे बस। चारों तरफ ऐसा गम का माहौल था, क्वारंटाइन पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे। मेरे पास में मेरी रिपोर्ट्स है, मेरे 4 बार 3 बार टेस्ट हुए, हर बार मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो एक वार्ड है मान लीजिए जहाँ पे 10 पेशेंट एडमिट है, 9 कोरोना पॉजिटिव है और 1 कोरोना नेगेटिव है। अगर वो कोरोना नेगेटिव पेशेंट उन 9 के साथ रहेगा तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा जम्स फैल के। तो वहाँ पे मुझे रखा गया, लेकिन अल्लाह की ऐसी हिफाजत रही कि मेरे को कोरोना टच नहीं किया बिल्कुल भी। तो उसके बाद में 2 या 3 दिन तक मैं लगातार भूखा प्यासा रहा, खाना वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, और इस वजह से मेरे शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई, बेड से मेरा उठना तक मुश्किल हो गया। फिर एक गुजरात की जमात थी, उनका वहाँ, उनको भी वहाँ पे लेकर आए हॉस्पिटल में। तो उनका वहाँ पे एक उसमें एक लड़का था, दानिश नाम है उसका, सूरत का रहने वाला, उससे मेरी दोस्ती हुई, काफ़ी अच्छा रिलेशन बना, हम लोग दोनों ने मिलकर सर्वाइव करना शुरू किया वहाँ पे। औरों को, बुज़ुर्ग जमाती थे, उनको थोड़ी हिम्मत दिलाना शुरू की, काफ़ी ठीक, थोड़ा 2-4-5 दिनों में ठीक ठाक माहौल वहाँ पे क्रिएट किया। हुआ कुछ यूँ कि जो लोकल दिल्ली के लोग थे वो लोग सुबह हमसे बात करते थे, खाना हमारे साथ खाते थे, और शाम को उनकी बॉडी हमें बॉडी पैकेज में पैक करनी पड़ती थी।
हमारे साथ कोई लेटा हुआ है, थोड़ी देर में उसकी सांसें चल रही है और थोड़ी देर बाद में हाफ करके सांसें ख़त्म। ऐसे माहौल हमने देखा वहाँ पर ब्लॉक नायक हॉस्पिटल के अंदर। क्या बताएं जी, उसके बाद में देखिए कोरोना टेस्ट हमारे शुरू हुए, कोरोना टेस्ट हमारे नेगेटिव आए। हम लोगों को धीरे धीरे करके वापस क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया शिफ्ट करना। तो सबको अलग अलग जगह लेकर गए, मुझे लेकर गए सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर। सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर में जब लेकर गए तो वहाँ पे भी हमारा सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सारी चीज़ कंप्लीट हुई। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, इंडियन गवर्नमेंट का एक छोटी सी आपको कमी बताता हूँ इस पूरे इंसिडेंट में। ये लगभग 70 दिन तक इंसिडेंट चला था तबलीगी जमात का, और इसमें एक छोटी सी कमी बताता हूँ आपको। तबलीगी जमात के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने जो अपना नाम बताया वही नाम उन्होंने गवर्नमेंट रजिस्टर में दर्ज किया बिना किसी आईडी प्रूफ के, आइडेंटिफिकेशन के। मैं अपना नाम अब्राहम लिंकन बता रहा हूँ तो मेरे पास अब्राहम लिंकन का आधार कार्ड या कुछ आईडी तो होनी चाहिए ना। मैंने अपना नाम मोहम्मद अली बताया, आपने लिख लिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको आईडी चेक करनी थी, या तो आप डे वन पे मरकज निज़ामुद्दीन के गेट पे ही मेरी आईडी चेक कर लेते तो इतना सब कुछ क्रिएशन होता ही नहीं। वो मैं आपको बताता हूँ। सुल्तानपुरी हम लोग आ गए, सुल्तानपुरी हम लोग रहे 1 महीना। 1 महीना रहने के बाद हमारे 2 या 3 वहाँ पर टेस्ट हुए, टेस्ट नेगेटिव आए, हमको डिस्चार्ज के लेटर मिलने वाले थे। मेरे सारे साथी वो धीरे 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 डिस्चार्ज के लेटर मिलते गए। सब लोग, कोई कश्मीर की जमात के थे वो वहाँ से अपने घर जा रहे हैं, गुजरात वाले अपने घर जा रहे हैं, MP वाले, UP वाले, तेलंगाना वाले, सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पहुँच रहे हैं। सबसे लास्ट में नंबर आया मेरा, मतलब ऐसे समझिए अब 3-4 हज़ार लोग जब निकल गए तब जाके मेरा नंबर आया। इतना सब्र करवाया अल्लाह ने मुझे उस चीज़ में भी। उस दौरान फिर उन्होंने मेरे से ओरिजिनल आईडी तब मांगी, तो ओरिजिनल आईडी मैंने जब मेरी पीयूष नाम की दिखाई तो हो सकता है कि वहाँ के प्रशासन को कुछ इससे तकलीफ़ हुई हो, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे कहा कि आपके ऊपर तो हम रासुका का लगाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का केस दायर किया जाएगा। कि या तो आप ये बोल दें कि मरकज़ निज़ामुद्दीन या कोई और सामाजिक संस्था काम करती है लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाने का, ब्रेन वॉश का, तो आपको हम क्लीन चिट दे करके आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इस्लाम फॉलो करते हैं या नहीं करते, हमें चाहिए ये मैटर। क्योंकि इनके पास इन प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने मरकज़ का मामला बढ़ा तो इतना दिया और प्रूफ इनके पास 1 रुपये का नहीं, तो इनको कुछ तो ऐसा चाहिए था कि किसी वजह से तो उसके ऊपर और एलिगेशन लगा सके हम। तो इस चीज़ से मैंने उन्हें मना किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आपको, फिर हम इस तरीके से जेल वगैरह का मामला थोड़ा डराया करा, ये सब चीज़ें करी। लेकिन फिर भी मैंने अपने किसी भी चीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सच होता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन मेरे इस्लाम कबूल करने में न मरकज़ निज़ामुद्दीन का हाथ है, न किसी इंडिविजुअल पर्सन का हाथ है, न किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का, न किसी संस्था का हाथ है। उसके बाद में उन्होंने मेरी फैमिली को कॉन्टेक्ट किया कि आपका लड़का जिसका नाम पीयूष है वो यहाँ सुल्तानपुरी क्वारंटाइन में है। उस दौरान, उससे पहले मेरे फादर मेरी मिसिंग कंप्लेंट, गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाना जयपुर में लिखवा चुके थे। तो मेरी फैमिली से मेरी बात करवाई गई। उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझसे यह कहा कि बेटा 63 दिन हमको हो चुके थे वहाँ पे। मेरी फैमिली ने कहा, मेरे फादर ने, कि तू जिस चीज़ को फॉलो करना चाहता है उसे तू फॉलो कर, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। 27 रमज़ान मेरे वहाँ पे मुकम्मल थे, जेल में रहते हुए, क्वारंटाइन में रहते हुए, हॉस्पिटल में भी रहते हुए, सब चीज़ों में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे, मैंने उन्हें यही शर्त रखी कि पापा मेरे और कुछ नहीं चाहिए मुझे, 3 तो मेरे रोज़े बाकी है वो मुझे कंप्लीट कर लेने देना, नमाज की पाबंदी मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए जैसे। और अब मैंने सुन्नती लिबास इख्तियार कर लिया है, मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी है, सुन्नती लिबास में पहनने लगा हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप मेरे पे एलिगेशन नहीं लगाएंगे कि नहीं ये दाढ़ी क्लीन करवा ले ये वो जो भी कुछ भी है। उस टाइम फ़ोन पे उन्होंने मुझे मेरी सारी शर्तें मानी, मतलब किसी तरह से मुझे ट्रस्ट में ले लिया। अब मैं भी उनका बेटा हूँ, है मेरे माँ बाप, तो फिर जाहिर सी बात है ट्रस्ट में आना लाजमी है, चाहे कितने ही वो कोई से भी धर्म के हो, कुछ भी हो, है तो माँ बाप ही मेरे। मैंने उन्हें बता दिया ठीक है आप आ जाएं, क्योंकि वहाँ की प्रशासन ने यह कहा था जब तक मोहम्मद अली पीयूष सिंह परमिशन नहीं देगा तब तक इसे इसके पेरेंट्स भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मामला ही ऐसा पड़ गया था। फादर मेरे आते हैं, मदर मेरी आती है, उनके साथ 1-2 अंकल और आते हैं, वहाँ के SDM साहब हैं, उनसे बात होती है, SDM साहब से बात करके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जाते हैं कि मोहम्मद अली ही पीयूष सिंह है, पीयूष सिंह ही मोहम्मद अली है, एक एफिडेविट तैयार होता है। उस कोर्ट का नाम था, आई थिंक, याद नहीं है मुझे, ऐसे सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन की बात है, बस ये याद है। डॉक्यूमेंट्स मेरे तैयार करवाए गए, मुझे जयपुर के लिए रवाना किया गया। 20
1 मई 2019 को, जयपुर के लिए 63 दिन टोटल हो चुके थे। 20 मई 2019 को मुझे रवाना किया गया जयपुर के लिए। उस दिन भी मेरा रोज़ा 27 रमज़ान मेरा वही लास्ट रमज़ान था। बस जयपुर जा रहे हैं हम लोग, पहले उनके जो फ़ोन पे सुरते वो बिल्कुल चेंज हो चुके थे। अब वो लोग मुझे वापस से वही सेम कंडीशन मेरे सामने रख रहे थे कि तू नमाज़ कम कर देना, दाढ़ी सही करवा लेना, थोड़ी छटवा लेना। ये नहीं कह रहे थे कि नमाज़ बंद कर देना, कम कर देना, दाढ़ी कटवा क्लीन नहीं करवाना, छटवा लेना, ठीक है। जैसे ही जयपुर की हम सीमा में एंट्री करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर क्रॉस किया हमने, तो उन्होंने एक, आप जानते होंगे सड़क के किनारे पेड़ पौधे बेचे जाते हैं, नर्सरी होती है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी एकदम से। मेरे ज़बरदस्ती कर रहे, मेरे से दाढ़ी मेरी क्लीन करवाई गई, मेरे कुर्ते पजामे और जो मेरे पास उन्नति लिबास था सब कुछ फेंक दिया गया। जीन्स टी शर्ट वो घर से लेके आए थे ऑलरेडी, वो मुझे ज़बरदस्ती पहनाई गई। और इसके अलावा हाँ, फ़ज़ाइल अमाल मुझे वहाँ से हदिया हुई थी और कुछ और किताबें थी, मसनून दुआएं जैसे, वो मैंने कैसे तैसे बचा करके मैं उन्हें ले गया सेफली, वो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ रखवाई, घर ले गए। घर पे जाके भाई उसके बाद जो माहौल बिगड़ता है, हमारे वहाँ के MLA, उनके आदमी, MLA के आदमी, और मतलब हिंदू धर्म के, आप समझ लें हिंदुओं के जितने भी बड़े बड़े, मतलब जैसे संगठन जो आप समझ सकते हैं, RSS हो चाहे BJP हो चाहे, और विश्व हिंदू परिषद के बड़े से बड़े हमारे एरिए के जो भी नेता नांगले जितने भी थे, उन सबका आना जाना शुरू होता है। वो समझाते हैं कि क्यों गया, क्यों ऐसे। एक ने तो ये तक कहा कि अगर तू जाएगा तो तेरे माँ बाप को हम हानि पहुँचा देंगे यहाँ पे पीछे से, इतना तक डराने की कोशिश की इन लोगों ने। उसके बाद पुलिस जो हमारी प्रशासन है, उनका भी एक ये है कि उन्होंने भी एक धर्म को बेस बनाते हुए अपने निर्णय लिए, जबकि प्रशासन, पुलिस या हमारी जो न्यायपालिका है उसके लिए हर धर्म समान होना चाहिए। वो वही फैसले हिंदू के लिए करे जो मुसलमान के लिए करे। अगर मुसलमान गलत है तो उसे गोली मारी जाए, लेकिन अगर हिंदू गलत है तो उसे गोली की जगह पत्थर नहीं, उसे भी गोली ही मारी जानी चाहिए, कायदा तो ये कहता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ धर्म के बेस पे फैसले किए, वो हमारे वहाँ के प्रशासन ने, उन्होंने ये नहीं देखा यार ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, ऐसा कुछ नहीं देखा उन्होंने कुछ भी चीज़। डेली मेरे पास पुलिस वालों का आना जाना शुरू हो गया वहाँ पे, घर पे मेरे 2-3 घंटे मुझसे बयान लिए जाते, मुझे ये प्रेशराइज़ किया जाता कि तू एक बार तबलीगी जमात का नाम ले दे, एक बार मरकज़ निज़ामुद्दीन का नाम ले दे, ये लोग करवाते हैं फिर देखना। तो वो चीज़ मैंने उन्हें कभी नहीं कही कि, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं कहता भी क्यों। अब मुझे पता चला जब मैं जयपुर छोड़ करके चला गया था 20 मार्च को, उसके बाद में मेरे माँ बाप जो है बेहोश हो गए थे, मेरी मदर के मुँह से झाग निकलने लग गए थे, और मतलब एक कह सकते हैं आपकी, मतलब माँ बाप के प्यार की एक इंतहा तक पहुँच गए थे वो लोग कि यार कैसे तैसे ये बंदा रुक जाए, कैसे तैसे हम इसे अपनी तरफ ही रखें, एक लेवल तक पहुँच गए थे। हॉस्पिटल तक एडमिट करवाना पड़ गया था मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी, जब उन्हें ये पता चला कि मैं सब चीज़ें फॉलो करके इस रास्ते पर निकल चुका हूँ। जब उस टाइम तो उन्होंने गुस्से मुझे कह दिया कि तू घर छोड़ दे, लेकिन जब मैंने सच में छोड़ दिया और मैं निकल गया, और तब उन्होंने टीवी में देखा कि तबलीगी जमात वालों के साथ ये सब हो रहा है, तो उनसे सहन नहीं हुआ, ये चीज़ मुझे पता भी चली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, थोड़ा सब्र से काम लिया। उसके बाद में मैं 3-4-5 महीने में वहाँ रहा हूँ लगभग, अब देख लीजिए आप, जून से 6 महीने है और जनवरी है। अब जनवरी में हालात ये हैं भाई कि मेरे को दोबारा वही सेम सी सिचुएशन मेरे सामने है, मुझे दोबारा धक्के मार के घर से बाहर निकाला जा चुका है, और अल्लाह के फजल से मैं ईमान में दाखिल कम्प्लीटली हो चुका हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स अल्लाह के फजल से कम्प्लीट है इस टाइम। पर्सनल, पॉलिटिकल और पर्सनल किसी का प्रेशर नहीं रहा मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी फैमिली को ये यकीन हो चुका है कि अब ये बंदा इस्लाम से पीछे हट नहीं हट सकता, चाहे हम कितनी भी ज़बरदस्ती कर ले। मेरा पैर तोड़ा हुआ है, मेरे पैर में टाँके तक आए हुए हैं, काफ़ी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई हुई है। अब तो मेरी मदर ने लास्ट टाइम मुझे ये कह के निकाला था कि तू अगर ये तेरे मुँह से कहेगा ना कि मैं वापस पीछे आना चाहता हूँ, वापस हिंदू बनना चाहता हूँ, तो भी हमें यकीन नहीं होगा। मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि तेरे लिए हमारे मन में बेटे वाली फीलिंग ख़त्म हो चुकी है, हमें ऐसा लगता है कि कोई गैर हमारे साथ रह रहा है। मेरे फादर मदर के बेडरूम में मुझे एंट्री नहीं है, पलंग के ऊपर मुझे बैठने नहीं दिया जाता, मेरा भाई मुझसे 4 साल से बात नहीं करता, छोटा भाई, एक ही भाई है, मेरी एक भाई और एक सिस्टर एक्सपायर हो चुके हैं पहले, एक भाई है छोटा, वो मुझसे पिछले 4 साल से बात नहीं करता। मेरे चाचा चाची, इनका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक अपने किराएदार के साथ बिहेवियर रखते हैं, मतलब फैमिली के नाम पे मेरे पास में सिर्फ अल्लाह और उनके रसूल की इबादत, और उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, समझ लें आप।
और मेरे तमाम हिंदू भाइयों के से मेरी एक गुजारिश ये रहेगी, भाई आप लोग सबसे पहले दिमाग से ये चीज़ निकालें कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ निकालें, क्योंकि मुसलमान भी वही इंसान है जो हम इंसान हैं। दूसरी चीज़, आप एक बार क्लीन दिमाग से, सच्चे दिल से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुरान समझें, सिर्फ आप पढ़ के देखें, या कुरान की जो मैं कहना चाहूँगा एसेंस है, उसका निचोड़ है, वो सिर्फ आप पढ़ के देखें। मैं नहीं कह रहा आप समझें उसे, सिर्फ आप पढ़ के देखिए। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इससे बेटर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कुछ भी। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए एक चीज़ की, यार जो चीज़ को आज ये कोई चीज़ है, इसे मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ और इसे मैं तोड़ दूंगा तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ये तो एक बच्चा भी कॉमन सेंस बता सकता है ना। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ, आप सब मेरे हिंदू भाई बहन हैं, अगर अपने हिंदू कम्युनिटी के अंदर, चले माने मैं भी एक बार हिंदू खुद को बोलता हूँ, ठीक है, अपने हिंदू कम्युनिटी के अंदर अगर कोई बच्चे का इंतकाल होता है तो क्या किया जाता है, आपसे सवाल रहेगा मेरा, ये बड़ा हूँ, अगर मैं हूँ, मेरा इंतकाल हुआ तो मुझे जला देंगे। अगर 5 साल का 7 साल का बच्चा है तो उसे दफनाया जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं चीज़, वो दफनाने का रीज़न आपको पता है, क्योंकि अल्लाह भी चाहता है कि इतने से बच्चा, ये जो छोटी सी जान है, इसको आग न यहाँ झेलनी पड़े और न वहाँ झेलनी पड़े। जब आप में अकल आ जाती है, बालिग आ जाते हैं 14-15 साल के, उसके बाद आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप ईमान ले आए, उसके बाद आपको जलना और ना जलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जलना चाहते हैं यहाँ भी और वहाँ भी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ भी सेफ़ रहना चाहते हैं और वहाँ भी सेफ़ रहना चाहते हैं, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम है इस्लाम में और हिंदू धर्म में। और मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए मेरे से, मेरी आपके छोटे भाई की आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग अपने इस्लाम के एक गुड एम्बेसडर बन के दिखाएँ। जो इस्लाम हम तक पहुँचा है वो हमारे बाप की जागीर नहीं है, ये आप चीज़ समझें। वो इस्लाम, कुरान और अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, ये पूरी इंसानियत के लिए आए हैं। आप कभी ये ना समझे कि अल्लाह सिर्फ हमारा है, कभी हम ये ना समझें कि कुरान सिर्फ हमारी धार्मिक किताब है, कभी हम ये ना समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे नबी हैं, वो सारी इंसानियत के लिए उतारे गए हैं। तो हमें ये नबी नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है अब कि हमें किस तरह से हमारे दीन को लोगों तक फैलाना है, ताकि हमारे जो मासूम भाई बहन हैं इनको पता तो चले कम से कम कि ये लोग किस गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं। इनको सदाचार की तरफ लेकर आना है, इनको सही रास्ते पर लेकर आना है। आप लोग इस्लाम को इस तरह से पेश करेंगे तो इनके ऊपर गलत इफेक्ट जाएगा। ये मसलक के झगड़े, ये अलग अलग कास्ट के झगड़े, इन सबको भूल करके एक वाहिद जगह पर आते हैं, एक कलमे के ऊपर अपन फोकस करते हैं। आप सबसे यही गुजारिश रहेगी मेरे भाई और बहनों कि एक कलमे की दावत हमारे नबी ने दी थी, और एक कलमे की दावत पर आप पहले खुद में अमल लाएँ, फिर आप इंशाल्लाह दूसरों को भी उसी एक कलमे की तरफ लेकर आएँ। कोई मसलक नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह के सिवा करने वाली ज़ात केवल अल्लाह की है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाएं, इसके अलावा आप कुछ ना करें। आपके छोटे भाई को दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। अस्सलामु अलैकुम।